नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसटीवी न्यूज़। मैं मिनाज आलम मौजूद है। हम लोग आज फुलवाड़ी हॉट पर, जो कि टेरागंज बहादुरगंज विधानसभा का लास्ट फ्लोर यानी टेरागंज ब्लॉक में है। फुलवाड़ी हॉट के लास्ट पॉइंट में है, जहाँ यहाँ से थोड़ा सा एक किलोमीटर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, यानी नेपाल बॉर्डर स्टार्ट है। और जो मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, फुलवाड़ी हॉट का एंड है और सोचा कि एक नदी है, नदी के ऊपर खड़े हैं हम अभी। हमारे साथ आने वाले चुनाव के दावेदार जो हैं, बासर परवेश साहब हमारे साथ हैं। चलिए भले इनका इनसे खास बात जानना चाहिए। अब तक क्षेत्र को लेकर कई बार क्या क्या बातें होती है सदन में, ये सबको पता है। जनता हर बार न्यूज में, टीवी, टेलीविजन में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सभी जगह दिखता है कि क्या क्षेत्र में बात होती है, क्या मुद्दा बनता है इलेक्शन में और क्या होता है। सच्चाई को जानने के लिए जब एमएसटीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर आई है, क्षेत्र पर आ रखी है, आपको दिखाएंगे। ये बांध दिख रहा है, ये बांध बिल्कुल वैशाली में है। ये बांध जो है पूरा एकदम वैशाली है, ये बांध रखी है, बांध है यहाँ पे बोड़ा उससे बंधा गया है। ये बांध अगर फिर से अगर वही 2017 वाली बार फिर से आती है, शायद कि मुमकिन नहीं होगा कि ये बांध टिक सके। फिर क्या होगा, तबाही आपके सामने होंगे, लोग जो है वैशाली में जाएंगे। चलिए इसी चर्चे पे हम बात करेंगे बासर परवेश साहब से। क्या सर, ऐसे वैशाली में कैसे लोग रहेंगे, क्या मुद्दा बनेगा अभी, कब तक ये चुनाव आता है, नेता अपने रोटी देखने के लिए कोई मुद्दा बना नहीं है। है क्या कि ये हमारा इंडिया का सीमावर्ती क्षेत्र, इसमें अपने सीमावर्ती क्षेत्र को अभी मैं आज बाद दिन से इधर आ रहा हूँ, सड़क की हालत जर्जर है और ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में आने का मतलब कभी कोई जो बाहर के देश का प्रोपेगेंडा हो जाता है, तो सेना हमारी कैसे यहाँ पे आएगी। पुलों को, मटियारी घाट में पुलों को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और बनाना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए ये रतुआ नदी है, अभी बरसात के महीने में इसमें बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, और उस बाढ़ से ये हमेशा ही आती है। 11/8/2017 को जो बाढ़ आया था उसका रिहेबिलेशन अभी तक नहीं हुआ है, लोग वो अभी तक झेल रहे हैं उन मसले को। और ये जो है ये इसमें पानी भर जाता है, ये आप जो देख रहे हैं ये नेपाल सरकार कभी पानी छोड़ देती है तो ये लबालब भर जाता है यहाँ से वहाँ तक। और इसके अलावा ऐसे हालात में देखिए ये कमजोर साइड है यहाँ पे, तो इस कमजोरी के वजह से अगर पानी इधर आया तो ये सारे लोग बह जाते हैं इसी तरह। फिर बह जाने के बाद लोग तब सोचते हैं कि नहीं नहीं ये हो गया वो हो गया, इतनी बाढ़ आ गई, तो उससे पहले गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए सीमावर्ती क्षेत्र के लिए। ये स्पेशल स्टेटस कम से कम इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि ये टेरागंज जो है ये हमारा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का लास्ट छोर है, इसके आगे आपका नेपाल शुरू हो जाता है, उस नेपाल में लोग आते हैं यहाँ से अपनी जरूरियात के। ये यहाँ फुलवरिया हाट है, ये फुलवरिया हाट हर मंगलवार और शुक्रवार को लगता है, तो इसमें लोग आते हैं अपनी जरूरियात के सामान खरीदते हैं और एक्सचेंज करते हैं। आगे आपको हाट भी दिखेगा इधर इस साइड में, और इधर रतुआ नदी है और ये रहने वाले लोग हैं, तो इसमें ये जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को कुछ करना चाहिए और करके, ताकि हमारे इन लोगों की भलाई हो सके। और हमारे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत अभी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं और पिछड़े हुए हैं, तो इन पिछड़े लोगों के लिए सूरजापुरी बिरादरी के लोग हमारे यहाँ पे हैं, उनको किसी भी हैसियत से वो इस कम से कम वो दर्जा भी देना चाहिए जो अपना और लोगों को दिया है रिजर्वेशन आरक्षण। हमारे यहाँ शिक्षा के लिए भी बहुत पीछे हैं लोग, इंटायर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 80% से लिटरेसी पुअर है और ज़्यादा वो नहीं है, तो सरकार को मैं
इस चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि हमारे सुरजापुरी बिरादरी और ये जो और लोग हैं सारे यहां पर इनको इनके लिए कुछ करें और स्पेशल दर्जा दे। स्कूल यहां मैंने देखा बड़ी बदहाली से गुजर रहा है, इन स्कूलों में मूलभूत समस्याएँ भी नहीं हैं तो ये दे ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये इनके भविष्य हैं भारत के, इन लोगों के बाद इन्हीं लोग यही लोग ये इसको संभालेगा आके देश। तो देश सशक्त तो तभी होगा जब हमारा युवा सशक्त होगा, आने वाला नस्ल सशक्त होगा और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे वो सारे इंस्टीट्यूशन सुचारू रूप से चलाना चाहिए सरकार को। और कोई आपका सवाल है तो ये चीज़ लेकर के जो अभी परवेज साहब बता रहे थे कि क्या समस्या किशनगंज की, वो समस्याओं को बार बार दिखा रही है। देखिए नज़ारा क्या है, ये नज़ारे को अगर देखने के बाद लगता है कि क्या है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की हाल। बदहाली को जानने के लिए MSTV की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पे जांच पड़ताल पे लगी है, लोगों की समस्याओं को जान रही है, गरीबी की रेखा से जो लोग गुजरते हैं उनकी समस्याओं को दिखाई जा रही है। सच्चाई जब पहुंची तो पता चला कि रोड जो बनना था, जहाँ सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए रोड जो है वो हाईवे जैसा सड़क बननी थी पर अब तक नहीं बन सका। तो कहीं सरकार इस चीज़ से पीछे हट रही है, खुदा ना खास्ता ऐसी घटनाएं होती है सब। अगर फ्यूचर में जाके नेपाल द्वारा अगर भारत के साथ कोई ऐसा मामला आता है तो सड़क से आते हुए से सेना की अगर सड़कें जो है वो सड़क चौड़ीकरण नहीं है, यह हालत है। तो सड़कें चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है ऑलमोस्ट, तो ऐसी सड़कें भी नहीं है यहाँ की। सड़कों को मैं दिखाऊँगा कितनी बदहाली है, सोच सकते हैं। ये जो सड़क है से नीचे है, ये सड़क दिखाऊंगा मैं आपको, ये सड़क जो है बिल्कुल अभी इसको बनना था अब तक नहीं बन पाया है। ये काफ़ी टाइम से पूरा जो ये स्तर पर जो है निचला स्थान जो है ये सड़क अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सरकार पीछे हट रही है। तब तक बने रहिए MSTV न्यूज़ में, मैं मिन्हाज आलम कैमरा पर्सन हसन लाल के साथ। क्या नाम है? ये सड़क अभी तक नहीं बना, कब से नहीं बना है सर?